फेवरेट स्नेक है, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है थोड़ा सा। आज हम फीड कराने वाले हैं सांपों को, दोबारा बता रहा हूँ ये वीडियो कमजोर दिल वाले ना देखें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात और प्यारे बच्चों जो मुझे देखते हो, और ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनको चूहों से डर लगता है, क्योंकि भाई आज हम खिलाने वाले हैं अपने स्नेक को खाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हमारे जो सांप है उनका फेवरेट डिश है चूहे, तो हम चूहे खिलाने वाले हैं। उससे पहले हमें जो है वो चूहे पकड़वाने थे, तो वो काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। और रिजवान जरा दिखाओ क्या लाए हो भाई, क्या लाए हो रिजवान साहब, ये देखे भाई। इसलिए कह रहा हूँ लड़कियां ये वीडियो बिल्कुल ना देखे। ये देखे चूहा पकड़ा हुआ हमने, और ये वो चूहे जो नॉर्मली आके चीजें जो हमारी खराब करते हैं, हमारे पिंजरों के अंदर घुस जाते हैं, तो हम उनको कंट्रोल रखने के लिए उनको पकड़ लेते हैं और उनको हम जाया नहीं करते हैं। पकड़ने के बाद हम उनको सांपों की डाइट बनाते हैं। तो चलते हैं रेप्टाइल रूम के अंदर, जहाँ पे हम ये चूहा जो है वो किसी सांप को खिलाने वाले हैं। हाँ 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 भाई, ये जबरदस्त ताजा ताजा चूहा जो है अब हम सांप को खिलाने वाले हैं। आ जाए गाइस, कौन से वाले सांप को जो है वो खिलाना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताऊं, हमने अभी अभी एक चूहा जो ना बॉल पाइथन को डाला था, तो पहले वो देख लेते कि वो खा रहा है या नहीं। इसके बाद जो ना हम इस बड़े वाले स्नेक को खिलाएंगे, इसका नाम है अल्बाइनो बर्मीज पाइथन, और इसको हम ये चूहा खिलाएंगे। तो फिलहाल उसको चेक करते हैं। ये भाई, इसको हम जरा खोल के चेक करते हैं। हमने इसको माउस डाल तो दिया था, इसने खाया है नहीं खाया। ओह माय गॉड, इसने ये खा लिया है, और इसका पेट देख रहे हैं वहां से फूल गया है, तो ये माउस पूरा खा चुका है। अब बारी है उस माउस की कि किसको खिलाएं करते हैं। इसको तो हमने परसों भी खिलाया था, तो ये जो छोटा वाला है ना, इसको खिला के चेक करते हैं कि ये खाता है या नहीं खाता है। भाई, ये जो उसका फेस बहुत छोटा है और चूहे का साइज बड़ा है, तो मेरे ख्याल में इसको छोड़ देते हैं, उसको खिला देते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं, तुम सही कह रहे हो। पिछली दफा खा लिया था, ये बड़ा है तो उसको नहीं डालते हैं। फौरन से एक्टिव हो गया है और उसको पता चल गया कि अब इसके खाना खाने का जो है वो टाइम आ गया है। तो गाइस, आज हम फीड कराने वाले हैं सांपों को, दोबारा बता रहा हूँ ये वीडियो कमजोर दिल वाले ना देखें। भाई मैं पहले आपको ये सांप निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इतना बड़ा है और इसका नाम है अल्बाइनो बर्मीज पाइथन। ये मेरा सबसे फेवरेट स्नेक है, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, थोड़ा सा एग्रेसिव है, और अभी इसको लगी है भूख, तो उसको जल्दी से अंदर रखते हैं। इसको खाना खिलाने का तरीका ये कि इसको हमेशा अलग से आप खाना दें, और जब इसको खाना दें तब सबसे ज़्यादा ख्याल रखें अपने हाथों का, क्योंकि अगर आपने इसको खाना दिया तो और उसके दौरान आपका हाथ अगर कहीं बीच में आ गया, तो ये आपकी हाथों की जो मूवमेंट है उसको ये खाना समझकर आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो अभी इसको अंदर रखते हैं, पहले मैं इसको बंद करूँ, फिर मैं चूहा उठाता हूँ जो मैंने यहाँ रख दिया है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अब आपने देखा है कि ये चूहों पर हमला कैसे करता है। बंद करते हैं, चलो 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 चलो, क्योंकि अब ये हो जाएगा एग्रेसिव, और हमें तो अंदर रखना जो है बहुत जरूरी है। अब आप देखिएगा कि ये थोड़ी देर के अंदर उस माउस को जो है वो कैसे पकड़ता है। अभी ये उसको ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको स्मेल तो आ गई है। हम थोड़ा सा और इसको जो है वो दिल इसका करवाते हैं। भाई हमने बहुत ट्राई किया कि ये सांप जो है वो वीडियो के अंदर खाना खा ले, लेकिन इस वीडियो के दौरान ये खाना खाने को तैयार नहीं था। वैसे ये रोज़ जो है वो फौरन से अटैक करके खा लेता था, लेकिन इस वीडियो के दौरान शायद इसे नखरे करने थे और ये खाना नहीं खा रहा था। हमने हर चीज़ ट्राई की, इसके बाद हमने एक प्लान बनाया कि इस सांप को इस चूहे के साथ हम अकेला छोड़ते हैं, सारे रूम की लाइटें बंद करते हैं और एक कैमरा लगा कर हम चले जाते हैं, ताकि जब ये खाना खाए तो एटलीस्ट इसकी जो फुटेज है वो हम रिकॉर्ड कर सके। तो उसने जो माउस जो है वो उसकी स्मेल तो ले ली थी, मगर आप देखें ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो आखिर हमने कैमरा लगाया और कैमरे में देखें क्या रिकॉर्ड हुआ। इसमें आखिर इस मरे हुए चूहे को निगलना शुरू कर दिया, और ये जो सांप होते हैं ये हमेशा सर की तरफ से शिकार को खाना शुरू करते हैं। तो उसने सबसे पहले चूहे का जो सिर है उसको जो है वो निगलना शुरू किया, और ये वीडियो करीब आधे घंटे की है, यानी आधे घंटे तक इसने जो है वो सांप को निगला। लेकिन इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ताकि आप इस आधे घंटे की फुटेज को सिर्फ 30 या 35 सेकंड के अंदर आप इसको देख सकें। तो ये देखें, इसने सांप को निगलना शुरू किया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सर से निगलता हुआ इसके जो शोल्डर है वहाँ तक पहुँच गया है। इसके बाद अपने ऊपरी जबड़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उसको zigzag करके मूव कर रहा है, और अब इसका ऑलमोस्ट 30% हिस्सा इसके घलक के अंदर है, अब 50%, और इसी तरीके से ये पिछली टांगों तक पहुँच गया है।
और अब सिर्फ इसकी जो है वो टेल रह जाएगी और ये टेल को बिल्कुल ऐसे अंदर ले जाएगा अपने पेट के अंदर जैसे हम कनौर सूपी नूडल्स को अपने जो है वो सूप करके जो है वो नूडल्स को अपने गले के अंदर उतार लेते हैं। तो ये देखें नूडल्स की तरह बिल्कुल इसकी टेल को जो है ये खा गया है और ये बड़े से बड़े शिकार को भी खा जाते हैं। तो फाइनली गाइज इसने जो है वो खाना जो है वो खा लिया है और ये आराम से बैठा हुआ है और इसका हीटर भी हमने ऑन कर दिया है, हीट का टेम्परेचर जो है वो हमने सेट कर दिया है 30-32 डिग्री के दरमियान यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा और उसके अंदर ही आराम से अपने जो खाना है वो डाइजेस्ट करेगा। फिलहाल इसको और भूख लगी है और खाना मांग रहा है। कमेंट में बताएं दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा स्नेक की फीडिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।